बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड लेक्चर ऑफ योर न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स विच इज़ अबाउट मास डेफिशिएंट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डेफिशिएंट सम टाइम इज आल्सो कॉल्ड मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रिमेन एज इट इज। हाउ कैन वी एक्सप्लेन मास डेफिशिएंट और मास डिफेक्ट? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस टर्म, let us consider an example of second isotope of hydrogen, which is deuterium. We take nucleus of deuterium called deuteron, having one proton and one neutron. yani jo deuterium ka nucleus hai ise deuteron kaha jata hai. nucleus of deuterium is called deuteron and nucleus of protium is called proton, while the nucleus of tritium is called ट्राइटॉन। जब आप केमिकली यानी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप को लेते हो तो उनके नाम चेंज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड प्रोटियम, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड ट्रिटियम। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो नहीं लिया जाता, तो हम प्रोटियम के न्यूक्लियस को कहेंगे प्रोटॉन और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को ट्राइटॉन। तो अब मास डेफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सेकेंड आइसोटोप ले रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम कॉल्ड ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन के पास सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन है, पॉइंट को समझना है। यानी ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन आपस में एक पार्टिकुलर बॉन्ड बनाए हुए हैं, और हम जानते हैं कि सिंगल प्रोटॉन का मास यूनिफाइड मास स्केल में 1.0078 AMU है और न्यूट्रॉन का मास 1.008 AMU है। अब इन दोनों के मासेस का सम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? टोटल मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, यानी ड्यूट्रॉन का मास आना चाहिए, क्योंकि ड्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन है। इसको आप यूँ समझें, लेट सपोज प्रोटॉन का मास है 1 AMU और न्यूट्रॉन का मास भी है 1 AMU, तो 1+1 क्या होना चाहिए? 2 AMU। तो मैं ड्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता हूँ मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, इसको वेपर फॉर्म में ओवन से एमिट करता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ हमने डिस्कस किया, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है और उसका ऑब्जर्व मास मेजर करता हूँ। तो ऑब्जर्व मास को क्या होना चाहिए? सम ऑफ द मासेज ऑफ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच इज सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल न्यूट्रॉन। But mass spectrometry indicates that the observed mass of the deuteron is found to be slightly less than sum of the masses of its own constituent particle. Now the question arises that where does the missing mass? कि ये जो observed mass है ये slightly less क्यों आया है? मैंने example दी थी ना कि अगर proton को 1 AMU के, neutron को भी 1 AMU के, तो 1+1 answer क्या आना चाहिए? 2 AMU। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीटर ये बताता है कि लेट्स सपोज आंसर आता है 1.5 AMU, तो 0.5 AMU की कमी आ जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंसेप्ट के तहत ये मिसिंग मास किधर गया? तो अब इस डिफरेंस इन मास को, यानी सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफिशिएंट आर मास डिफेक्ट। तो वो कितना बनेगा हमारी एज्यूम एग्जाम्पल के मुताबिक, यानी जो एग्जाम्पल हमने एज्यूम की है कि 2 आना चाहिए ऑब्जर्व मास, तो आया कितना? 1.5। तो 2 - 1.5 आंसर क्या आ गया? 0.5। इस टर्म को क्या कहा जाता है? मास डिफिशिएंट। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये कितना आया था। तो मैंने कहा कि प्रोटॉन का ऑब्जर्व मास 1.007 और न्यूट्रॉन का ऑब्जर्व मास 1.008, इन दोनों का सम करें और इसमें से माइनस कर दें ऑब्जर्व मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें बताता है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इस डिफरेंस इन मास को मास डिफिशिएंट, जिसको डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा एम क्या आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑब्जर्व मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 माइनस ऑब्जर्व मास 2.01402।
ये ऑब्जर्व मास है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर ने हमें बताया। तो आमतौर पर पीरियाडिक टेबल में हर एलिमेंट की टॉप पे जो लिखा जाता है ये ऑब्जर्व मास लिखा होता है। तो इन दोनों के सम में से ये टर्म माइनस करें तो हमारे पास जो मास डिफिशियंट आ रहा है 0.00238 यूनिट आ रहा है, यानी ये मास में कमी आई है, डिफरेंस आया है। इसी डिफरेंस इन मास को मास डिफेक्ट या मास डिफिशियंट बोला गया था। तो अब हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने यूनिट की एनर्जी क्या होगी, तो इस टर्म को डायरेक्ट 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी मिल गई। तो अब इस पॉइंट को समझें कि ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बांड बनाते हैं, आपस में बाइंड टुगेदर होती हैं, यूनाइट टुगेदर होती हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो सम फ्रैक्शन ऑफ मास इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के तहत, और वो एनर्जी गैमा रे फोटॉन की शक्ल में न्यूक्लियस से बाहर रिलीज हो जाती है। अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, काउंटर पार्ट है, कि अगर मैं यही एनर्जी 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी दोबारा ड्यूट्रॉन पे फाल करता हूँ, यानी ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस पे फाल करता हूँ, तो न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट डज इट मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ब्रेकअप हो जाना। अब इस न्यूक्लियस में तो सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन है और उसने आपस में एक बांड बनाया हुआ है, अपने आप को यूनाइट रखा हुआ है। तो जब ये गैमा रे फोटॉन 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मैं ड्यूट्रॉन पे फाल करता हूँ तो ड्यूट्रॉन ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप होने से मुराद ये है कि ड्यूट्रॉन के पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, यानी ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन, इन्होंने आपस में जो बांड बनाया हुआ था जिस एनर्जी के तहत ये आपस में यूनाइट थे, वो एनर्जी गैमा रे फोटॉन की शक्ल में रिलीज हुई। वही एनर्जी जब हमने इनके ऊपर फाल की तो वो बांड क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो गए। इट मीन ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस के अंदर ड्यूट्रॉन जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे ये बाउंड स्टेट में थे। जब तक न्यूक्लियॉन्स याद रख लें बाउंड स्टेट में होंगे तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जब वही एनर्जी जो गैमा रे की शक्ल में रिलीज हुई उसको आपने फाल किया, उस एनर्जी ने जाके वर्क डन किया, उन न्यूक्लियॉन के दरमियान बांड को ब्रेकअप किया, जिस तरह इलेक्ट्रॉन के एक एटम का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बांड बनाता है, तो उस कोवलेंट बांड को ब्रेकअप करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। और हमारा वर्क डन क्या होता है, हम आउटसाइड सोर्स से कोई एनर्जेटिक पार्टिकल फाल करते हैं, कोई फोटॉन फाल करते हैं, उसको हीट अप करते हैं या उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फाल करते हैं, तो वो कोवलेंट बांड क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, तो वो फ्री पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी जब न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाएगा तो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में चले जाएंगे। तो ये एनर्जी जो न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने में यूटिलाइज हुई है, इस एनर्जी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, या वो एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस जो गैमा रे फोटॉन की शक्ल में रिलीज हुई है न्यूक्लियस से, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, यही एनर्जी क्या थी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी थी। इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट डेफिनेशंस हैं, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। तो जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन रिलीज हुई, कब, जब आपने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, तो जब ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, एक डेफिनेशन, या ये वाली डेफिनेशन जिसमें गैमा रे फोटॉन ने न्यूक्लियस को क्या किया, ब्रेकअप कर दिया, द एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज फॉर ब्रेकअप ऑफ ए न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस के ब्रेकअप करने में इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। थर्ड डेफिनेशन,
गैमा रे फोटॉन ने जाके क्या किया होगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियंस को अपनी एनर्जी दी होगी, यानी दूसरे लफ्जों में वर्क डन किया होगा। इस वर्क डन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू पुल न्यूक्लियन ए पार्ट, न्यूक्लियंस को एक दूसरे से सेपरेट कर लेना, एक दूसरे से जुदा कर लेना। तो हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क विच मस्ट बी डन टू पुल न्यूक्लियंस ए पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तीन डेफिनेशन। चौथी डेफिनेशन, ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी ने न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस को आपस में बाइंड रखा हुआ है या यूनाइट रखा हुआ है। द एनर्जी विच यूनाइट द न्यूक्लियंस टूगेदर इन साइड द न्यूक्लियस इन ए स्टेबल स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया। तो अब ये जो मैंने एग्जाम्पल ली थी ड्यूट्रॉन, तो इट मीन जब ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप ड्यूट्रॉन, इसकी फॉर्मेशन होती है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस एनर्जी से अपने आप को यूनाइट या बाइंड रखते हैं वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकली कितनी है, 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी ने ड्यूट्रॉन को आपस में क्या रखा हुआ है, यूनाइट रखा हुआ है, तो जो देनी है। अब ये तो दो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही एनर्जी रिलीज भी हुई थी। जब ये एनर्जी गैमा रे फोटॉन की शक्ल में रिलीज हुई तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में थोड़ी सी कमी आ गई, कमी आई ना, जिस टर्म को हमने मास डिफेक्ट कहते हैं। अब कितना कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन का है और कितना कंट्रीब्यूशन न्यूट्रॉन का है, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स आपस में बांड बना रहे हैं, आपस में एक दूसरे को यूनाइट रखे हुए हैं, और दोनों के मासेस में कमी आ गई क्योंकि गैमा रे फोटॉन जो रिलीज हुआ है उसने मास को कैरी कर लिया है। अब कितना कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन का है और कितना कंट्रीब्यूशन न्यूट्रॉन का है, इसको यूं समझ ले कि ये दो बंदे हैं और इन दोनों बंदों को एक बिजनेस के अंदर लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 2.224 मिलियन रुपीस का लॉस हो गया। अब इंडिविजुअल लॉस निकालना चाहिए तो क्या करेंगे आप, इस टोटल लॉस को नंबर ऑफ पर्सन पे डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 है, तो 2 पे डिवाइड करोगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 होते तो 3 पे डिवाइड करते, और अगर 4 होते तो 4 पे डिवाइड करते। इट मीन जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस की तादाद है वो बेसिकली किस टर्म को डिफाइन करती है, मास नंबर को। तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस जो कि ड्यूट्रॉन है, इसका मास नंबर 2 है। तो आप ये जो बाइंडिंग एनर्जी है 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टर्म निकालने के लिए आप मास नंबर पे डिवाइड करोगे, यानी 2 पे डिवाइड करोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसको 2 पे डिवाइड करो, तो 2.224 डिवाइडेड बाय 2, तो पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी जो कि कितनी है, 1.112 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एग्जाम्पल से हमने आगे बढ़ना है, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, आगे हमने हैवियर एलिमेंट और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के लिए लेना है कि बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड क्या बनता है। मास डिफिशिएंट डिफरेंस इन सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफिशिएंट, और आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के तहत E=mc² जो कि मैंने इधर कहीं मेंशन की है, तो ये टर्म क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब हम आते हैं कि ड्यूट्रॉन के पास तो सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन था, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इंक्रीज होती जाएगी, लेट्स सपोज C6H12 कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन, व्हाट विल बी द मास डिफिशिएंट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सोडियम 1123, प्रोटॉन कितने हैं, 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, व्हाट विल बी द मास डिफिशिएंट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसकी क्या होगी। और मैं जंप करता हूं यूरेनियम पे, यूरेनियम 92-235, प्रोटॉन कितने हैं, 92, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 235 माइनस 92, तो ये ऑलमोस्ट कितने बन जाएंगे, 143, तो उसकी मास डिफिशिएंट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो इसके लिए हमें पहले एक जनरल टर्म चाहिए, ये जो फार्मूला जो मैंने लिखा था ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ड्यूट्रॉन के लिए। तो जनरल आम एलिमेंट के लिए ये क्या होगा, याद रख ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, जेड, जेड
जो कि चार्ज नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, जिसको मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस जेड। मास नंबर में से चार्ज नंबर माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। तो जनरल फार्मूला बनता है बाइंडिंग एनर्जी के लिए। इस टर्म को देखें, यहाँ पर पहले मास डेफिशिएंट को देखें, इक्वेशन थ्री, जेड एम पी, जेड मल्टीप्लाई हो गया ना, न्यूट्रॉन में एक ही प्रोटॉन था तो जेड वन लिया जाएगा, एक ही न्यूट्रॉन था तो एन वन लिया जाएगा। तो जब जेड और एन चेंज होंगे तो ये बनेगा जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ सैड न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस आप स्टडी करोगे उसका मास आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के तहत जो बाइंडिंग एनर्जी बनती है डेल एम सी स्क्वायर, और डेल एम की ये वैल्यू इक्वेशन थ्री वाली डालें तो देखें बाइंडिंग एनर्जी जेड एम पी प्लस ये जो एन था न्यूट्रॉन, इसको मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस जेड, मास नंबर में से चार्ज नंबर माइनस करें, और बाय सिंगल न्यूट्रॉन का मास माइनस ऑब्जर्व मास इंटू सी स्क्वायर। अगर मैं सी जी एस सिस्टम यूज करता हूँ, सी जी एस सिस्टम में हम सी स्क्वायर को क्या ले लेती हैं, वन, तो इसको वन ले लें तो रिमेनिंग टर्म बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑब्जर्व मास, इक्वेशन फाइव। ये इक्वेशन फाइव आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देगी किसी भी एलिमेंट के लिए। आपके सामने मैंने एग्जांपल सोडियम की लिखी है, तो अगर आप सोडियम की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो सोडियम के का चार्ज नंबर 11 है, तो इट मीन प्रोटॉन की तादाद क्या है, 11, और न्यूट्रॉन की तादाद 23 माइनस 11 12। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, जेड की जगह क्या आएगा, 11 इंटू सिंगल प्रोटॉन का मास, वो आप जानते हैं 1.0078 प्लस ए माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 क्या आ जाएगा, 12, तो इस टर्म की जगह 12, और सिंगल न्यूट्रॉन का मास वो भी आप जानते हैं 1.008 माइनस ऑब्जर्व मास। सोडियम का ऑब्जर्व मास या तो आप पीरियाडिक टेबल से लिखें या आपको पूछने वाला बताएगा कि क्या है, तो इस टर्म को सॉल्व करें, आपके पास सोडियम की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए आप क्या करेंगे, सोडियम का जो मास नंबर है 23, इसको 23 पे डिवाइड करेंगे तो सोडियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टर्म आ जाएगी कि इंडिविजुअल न्यूक्लियन का कंट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर होगी बात ये। अब आगे चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसी इक्वेशन फाइव से बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर पर डिवाइड करें तो ये टर्म बनेगी बी प्राइम। ये जो बी प्राइम है ये क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मैं मास राइट साइड पे देखें, z बाय a और a माइनस जेड, इसको भी a पे डिवाइड कर दें और ऑब्जर्व्ड मास को भी a पे डिवाइड कर दें। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है, z बाय a एम पी प्लस, देखें a माइनस जेड डिवाइडेड बाय a, तो नीचे सिंगल टर्म है ऊपर टू टर्म है, तो a बाय a क्या हो जाएगा, 1 माइनस z बाय a, इसको मैंने सेपरेट लिख दिया, और बायर सिंगल न्यूट्रॉन का मास। अब यहां पर एक टर्म मैंने ऐड भी की है और माइनस भी की है, वन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फाइव, यानी वन को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ऐड भी कर लिया, ये मजबूरी है एक टर्म बनाने के लिए, एक रिजल्ट बनाने के लिए। माइनस टर्म पहले ले लिए, प्लस टर्म बाद में ले लिए। रिमेनिंग इक्वेशन देखें, उसी तरह z बाई ए एम पी प्लस 1 माइनस z बाई ए न्यूट्रॉन का मास माइनस 1 उसी तरह। अब ये जो टर्म है, ये टर्म और ये लास्ट टर्म, इन दोनों का LCM लें, नीचे LCM लेंगे तो a आएगा और 1 के साथ a आ जाएगा और ऑब्जर्व मास माइनस उसी तरह। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगी और वन वाली टर्म माइनस हो जाएगी, क्योंकि वन के साथ ए आया था तो ये माइनस ए हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर हो गया, ऑब्जर्व मास माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, और मेरी मंजिली यही थी, मैं इसी टर्म तक आना चाह रहा था। अब आपको पता चल गया कि हमने माइनस वन और प्लस वन क्यों किया था। अब इक्वेशन सिक्स में ये जो टर्म है, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन, यानी एफ पी इज इक्वल टू ऑब्जर्व मास माइनस ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। दिस टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन एंड जनरली इट टेल्स अस स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, कि विच न्यूक्लियस इज स्टेबल आर अनस्टेबल, ये हमें आंसर देगी, और आपकी सारी न्यूक्लियर फिजिक्स इसके गिर रिवॉल्व करेगी। तमाम एलिमेंट्स, किसी न्यूक्लियस का स्टेबल होना
उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी बताता है, और एलिमेंट की स्टेबिलिटी जिस प्लैनेट पे वो एलिमेंट पाया जाता है उस प्लैनेट की स्टेबिलिटी को बताएगा। तो ये मामूली टर्म नहीं है। तो अब हम कहते हैं, ये मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि इफ एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव कब होगा, आप यहां पर देखें, अगर ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस उसके अपने मास नंबर से ग्रेटर आता है, देखें ये पहली टर्म ग्रेटर है कैपिटल ए से, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एफ बिकम पॉजिटिव, और ये किन न्यूक्लियंस के लिए होगा, जिनका मास नंबर लेस देन 30 है, यानी लाइट न्यूक्लियाई, जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 30 से लेस है इन्हें लाइटर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो इनकी पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन से मुराद ये है कि ये तमाम न्यूक्लियस अनस्टेबल इन नेचर है। ये मैं रीजन दूंगा, बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ये अनस्टेबल है, अभी ये याद रखें। और इसी तरह अगर मास नंबर ग्रेटर देन 200 है, यानी वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 200 एक्सट्रीमली हैवियर न्यूक्लियाई, तो उनमें भी ऑब्जर्व्ड मास ग्रेटर होगी मास नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये न्यूक्लियाई भी क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो दो चीज़ें यहाँ से वाजी होंगी, एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई एंड एक्सट्रीमली हैवियर न्यूक्लियाई, बोथ आर अनस्टेबल इन नेचर, और उनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियन के दरमियान न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, रिलेटिवली वीकर होगी। और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका मास नंबर 30 अप टू 200 लाई करता है, यानी वो न्यूक्लियाई या वो एलिमेंट जिनका मास नंबर 30 से लेके अप टू 200 तक है, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन से ये मुराद है कि इनके न्यूक्लियंस आपस में बाउंडेड हैं, बाउंड टूगेदर हैं, बाउंड स्टेट में है, और बाउंड स्टेट वही होती है जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, तो वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस की कोलंबिक फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, और वो मुख्तलिफ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी तरह न्यूक्लियन जो बाउंड स्टेट में है उनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, नेगेटिव, और ये न्यूक्लियस कौन से न्यूक्लियस होंगे, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होंगे इन द यूनिवर्स। तो अब हम इस सारी डिस्कशन को सम अप करते हैं कि अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मास नंबर के साथ प्लॉट किया जाए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये डेटा, जिस तरह मैंने ड्यूट्रॉन का केस आपको बताया है ना कि ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकाली है तो 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो इधर राइट साइड पर देखें, अगर मैं ऑक्सीजन की निकालता हूँ बाइंडिंग एनर्जी, तो मेरे पास आंसर आएगा 128 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यूट्रॉन जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ 2 पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही थी, 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑक्सीजन थोड़ा सा ही ग्रेटर एलिमेंट है ना ड्यूट्रॉन से, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो बाइंडिंग एनर्जी जंप कर गई ना, कितनी बढ़ गई, 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जंप किया है 128। पर न्यूक्लियन कितनी है, मास नंबर पे डिवाइड करें, 16 पे डिवाइड करें, 8 MeV, यहां 1.1 आ रही थी। अब मैं जंप करता हूं यूरानियम पे, यूरानियम का चार्ज नंबर 92, मास नंबर 235, टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यूरानियम की आ रही है 1786 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1786 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहां से अंदाजा करें कि जूं जूं मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तादाद, न्यूक्लियन की तादाद बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 128 से आप जंप करके 1786 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यूरानियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें, यानी ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है इसको मास नंबर पे डिवाइड करें, मास नंबर 235 है, तो यू विल गेट द आंसर 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आ रहा है 8 MeV और यूरानियम का आ रहा है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। तो अगर आप, इफ यू कंपेयर ऑक्सीजन एंड यूरानियम,
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर यूरानियम इज फाउंड टू बी लेस देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑक्सीजन. इट वुड मीन दैट ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरानियम. दैट इज वाई दिस आइसोटोप ऑफ यूरानियम वाइडली यूज इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एटॉमिक बम, क्योंकि ये अनस्टेबल एलिमेंट है और ये फौरन इसके अगर इसके ऊपर अगर आप थर्मल न्यूट्रॉन फॉल करें इसका न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाएगा और जो ही ब्रेकअप होगा और ये एक्सप्लेन करेगा तो दिस अमाउंट ऑफ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिशन कैन बी रिलीज ड्यूरिंग दैट न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस. तो अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं. ये ग्राफ जो है ना इस सारे मैथमेटिक्स और थ्योरी को डिफाइन करता है. तो थोड़ी कंसंट्रेशन मेंटेन करें. ग्राफ बनाते वक्त हम मास नंबर को एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को एलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं. तो आप इस ग्राफ को देखें कि मास नंबर के इंक्रीज होने के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है. ये वो एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिंगल प्रोटॉन सिंगल न्यूट्रॉन मास नंबर टू. फिर आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ के फोर हो गई, फिर सिक्स हो गई, सेवन हो गई, इधर एट हो गई और एंड में क्या है 8.8. तो इस ट्रेंड को देखें कि बाइंडिंग एनर्जी स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज हो रही है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है. मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है. अब इस ग्राफ के तीन रीजन हैं. मास नंबर को देखें, यहाँ पर मैंने 30, तो ये वाला रीजन कौन सा होगा? वो एलिमेंट जिनका मास नंबर लेस देन 30 होगा. तो ये अभी मैंने इधर आपको बताया था पैकिंग फ्रैक्शन में कि वो एलिमेंट जिनका मास नंबर लेस देन 30 है इनकी पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है. नीचे वाला ग्राफ पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर के लिए, उसकी तरफ भी आते हैं लेकिन पहले इधर आते हैं. तो लेस देन 30 मास नंबर वाले न्यूक्लियाई कौन से होंगे? लाइटर न्यूक्लियाई. तो इट मीन लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है. और ये लास्ट रीजन को देखें, ये रीजन है जिनका मास नंबर 200 से ग्रेटर है और 200 से ग्रेटर मास नंबर वाले न्यूक्लियाई जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, ये देखें मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, शार्प फॉल आ रहा है इसमें, ये भी कम है. तो ग्राफ हमें ये बता रहा है एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई एंड एक्सट्रीमली हैवियर न्यूक्लियाई इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है. तो कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या मुराद है कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अनस्टेबल है. लेकिन हमने आंसर ये निकालना है कि क्यों कम है. और दरमियान वाला रीजन जिसका मास नंबर 30 अप टू 200 है, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इस रीजन को देखें, ये जो आपको माउंटेन सा नजर आ रहा है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, यहां से आप इस तरफ आ जाएं और यहां से भी आप इस तरफ आ जाएं, तो ये बाइंडिंग एनर्जी देखें तकरीबन 8.5 से ग्रेटर है और इसकी पीक वैल्यू क्या है, 8.8, यानी 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी जिस एलिमेंट ने पोजेस की है वो है आयरन, आयरन 2656 उसका मास नंबर है. तो पता ये चला कि इस यूनिवर्स में हमारे इस प्लेनेट पे अब तक जितने एलिमेंट्स के मुतालिक उनके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को एनालाइज किया गया है, स्टडी किया गया है, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द यूनिवर्स, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ग्रेटर वैल्यू पोजेस करती है. और यही वजह है कि आयरन का यूज आप इंसान जो है, बनीनो इंसान जो है, इसने आयरन को कितना ज्यादा यूटिलाइज किया है, एक सुई से लेके पेपर पेन से लेके बैरी जहाज तक और एयरप्लेनेट तक आप देख लें, एस्ट्रोनॉट जो हैं वो भी आयरन को यूटिलाइज करते हैं, शेल्टर जो छतें डाली जाती हैं आयरन को यूटिलाइज किया जाता है. तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है ये, हमें इधर इस कर्व से पता चल रहा है. तो ये इंटरमीडिएट रीजन इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी है जो उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है. अब हम आते हैं कि एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम क्यों थी और मोस्ट हैवियर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम क्यों थी. तो पहला केस हम लेते हैं लाइटर न्यूक्लियाई. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था
कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है। जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट जो है, इसकी शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। व्हाई वाटर ड्रॉपलेट अटेन स्फेरिकल शेप? ड्यू टू सरफेस टेंशन इफेक्ट। ये हमारा आंसर होता है ना, कि वाटर स्फेरिकल ड्रॉपलेट जो है उसके इनसाइड जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के तहत इनवर्ड अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह जब वो इनवर्ड अट्रैक्ट करते हैं तो इस अफेक्ट को कहा जाता है सरफेस टेंशन अफेक्ट। तो इस सरफेस टेंशन अफेक्ट की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोवाइड कर रही होती हैं, इनर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट सरफेस के न्यूक्लियन को अपनी तरफ चारों तरफ क्या करते हैं? इनवर्ड अट्रैक्ट करते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट की स्फेरिकल शेप अटेन रहती है। इसी तरह याद रख लो, लाइट न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर लेस देन 30 है, न्यूक्लियस की तो अपनी एक स्पेसिफिक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पेस, ये जो इनर स्पेस है। तो लाइट मास नंबर होने की वजह से मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियन वांट्स टू रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, कि वो आउटर सरफेस पे चले जाते हैं। जब वो आउटर सरफेस पे जाते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है इनर न्यूक्लियन से क्या हो जाता है? थोड़ा ग्रेटर हो जाता है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियन के दरमियान जो स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो लाइट मास नंबर कम होने की वजह से, न्यूक्लियन की तादाद कम होने की वजह से ज़्यादातर न्यूक्लियन सरफेस पे रेजाइड करते हैं और उनका डिस्टेंस जो इनर न्यूक्लियन है उससे थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से बढ़ जाता है। उनके नेबरहुड क्या होते हैं? कम होते हैं। इस नेबरहुड के कम होने की वजह से न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टर्म यूज होती है कि लाइटर न्यूक्लियन की सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ग्रेटर हो जाती है, यानी सरफेस कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा, और वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन इनवर्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा। तो न्यूक्लियन रिलेटिवली क्या हो जाते हैं? आपस में उनकी बाइंडिंग एनर्जी रिलेटिवली वीक पड़ जाती है, और जब रिलेटिवली वीक होगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और वो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये वो फैक्टर है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ग्रेटर होने की वजह से इनके नेबरहुड कम होते हैं, न्यूक्लियन के दरमियान बांड वीक पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इंटरमीडिएट न्यूक्लियन की निस्बत कम होती है। तो क्लियर होगी पहला एस्पेक्ट के लाइटर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम होती है? सरफेस कंट्रीब्यूशन की वजह से। अब हम हैवियर की तरफ आते हैं, फिर दरमियान वाले की तरफ। हैवियर न्यूक्लियाई में देखें मास नंबर ग्रेटर देन 200, तो ग्रेटर देन 200 मास नंबर, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कि जिन न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डेंसिटी बहुत एक्सीड कर जाती है, खासतौर पर प्रोटॉनों की तादाद। तो जब प्रोटॉनों की तादाद बढ़ जाती है तो टू प्रोटॉनों के दरमियान जो कूलम रिपल्शन फोर्स है वो उन्हीं प्रोटॉनों की म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और प्रोटॉनों के दरमियान जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है उसके ऊपर डोमिनेट हो जाती है। कूलम रिपल्शन फोर्स याद रख लो डोमिनेंट रोल प्ले करती है ओवर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, क्योंकि हैवियर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लाइटर न्यूक्लियाई। तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब रिपेलिंग प्रोटॉन फ्लाई ऑफ करेगा न्यूक्लियस के अंदर ऑल डायरेक्शन में, तो न्यूक्लियन के दरमियान जो बांड बना हुआ है वो वीकअप हो जाएगा, वो कमज़ोर पड़ेगा, तो एज ए रिजल्ट उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस रीजन में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का डिक्रीज होना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? मैसिव कूलम रिपल्शन फोर्स की तरफ। तो ये मैंने लिखा है मैसिव कूलम रिपल्शन की वजह से हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं, और सरफेस कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने की वजह से लाइटर न्यूक्लियाई भी क्या है? अनस्टेबल हैं, और बाइंडिंग एनर्जी कम है। अब इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई दरमियान वाले जो हैं जिनके मास नंबर 30 से 200 हैं, इन न्यूक्लियाई में कूलम रिपल्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियन के दरमियान दो किस्म की फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस केस को कंपेयर किया गया है, यानी इसकी एनालॉजी ली गई है टागेने वार, रस्साकशी का खेल होता है ना, रस्साकशी के खेल में दो अपोजिट टीमें फोर्सेस लगा रही होती हैं, और अगर एक तरफ की टीम और दूसरी तरफ की टीम की अप्लाइड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो दोनों टीमें जो है ना अपनी जगह पर स्टेबल रहती हैं, कोई ना हार मानती है और ना कोई जीत सकता है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में
इनवर्ड न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो सरफस के न्यूक्लियन को सरफस टेंशन प्रोवाइड करवा रही होती है इसका मैग्नीट्यूड, और आउटवर्ड कूलम रिपल्शन फोर्स, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। जब ये दोनों बैलेंस होंगी तो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, और न्यूक्लियस के स्टेबल होने की वजह से न्यूक्लियन के दरमियान जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है ये क्या होगी, लाइटर और हैवियर की निस्बत ग्रेटर होगी, और आपका ये वाला रीजन है, ये एक्सपेरिमेंटल रीजन है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये टू काइंड ऑफ फोर्सेस जो हैं इसने अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है, और ये न्यूक्लियाई जो हैं मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैं इन द यूनिवर्स, और इनके एलिमेंट जो होंगे वो भी मोस्ट स्टेबल होंगे। तो कौन से एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है, जिनका मास नंबर 30 से लेके 200 तक है। तो इस टर्म को हम पैकिंग फ्रैक्शन के ग्राफ से भी देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव किसको इंडिकेट करती है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, और नेगेटिव किसको इंडिकेट करती है, स्टेबल। तो देखें कौन सा मास नंबर है 30 अप टू 200, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रीजन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहां पर देखें पैकिंग फ्रैक्शन को वाई एक्सिस के लांग लिया गया है और मास नंबर को एक्स एक्सिस के लांग, इसमें जीरो को रेफरेंस माना गया है। याद रख लो जीरो पैकिंग फ्रैक्शन किस एलिमेंट की है, कार्बन की है। हमने जब न्यूक्लियर मास को डिफाइन किया था तो रिलेटिव टू विच एलिमेंट न्यूक्लियर मास को डिफाइन किया था, कार्बन। मैंने कहा था ना द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। तो C6-12 एक ऐसा स्टेबल एलिमेंट है कि अगर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, यानी इसको ऑब्जर्व मास और मास नंबर निकालें, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, आंसर जीरो आएगा। आंसर जीरो आने से ये कतन मुराद नहीं है कि कार्बन के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, जीरो से मुराद ये है कि रिलेटिव टू जीरो आप +1, +2, +3 पैकिंग फ्रैक्शन ले सकते हो। अगर +1, +2, +3 आती है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, और वो अभी इस ग्राफ से पता चलेगा। और अगर रिलेटिव टू जीरो आपका ट्रेंड किधर जा रहा है, -1, -2, -3 की तरफ जा रहा है, तो वो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगी, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो यहां पर देखें कि ये जो लाइट न्यूक्लियाई हैं इनकी पैकिंग फ्रैक्शन जीरो से ग्रेटर आ रही है, 1, 1.1, 1.2 अप टू 2। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड लाइटर न्यूक्लियाई का क्या इंडिकेट करता है, पैकिंग फ्रैक्शन का पॉजिटिव होना, अनस्टेबल न्यूक्लियस। देखें ये रीजन डिफाइन हो रहा है ना A < 30, और इधर A < 30, ये ग्राफ भी बता रहा है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। और अब देखें ये जीरो है, यहां पर देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, जीरो से क्या आएगा, -0.9, -0.8, -0.7, -1, -1.1, -1.2, -2, और ये रीजन यहां तक है। और ये कौन सा रीजन है, यहां पर 30 अप टू 200, ये इंटरमीडिएट रीजन है। तो इंटरमीडिएट रीजन में पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेबल न्यूक्लियस को। फिर देखें ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है, कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जीरो से अपवर्ड 1+2, लेकिन ये कौन सा रीजन है, हैवियर न्यूक्लियाई का है। तो पैकिंग फ्रैक्शन भी आंसर दे रहा है कि हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। तो याद रख लो रेडियोएक्टिविटी द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी जब न्यूक्लियस डिके होता है, अल्फा बीटा गैमा रेज एमिट करता है, वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, हैवियर न्यूक्लियस होता है। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, कम थी ना। तो अब दो किस्म के फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिफाइन होते हैं कि हैवियर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिक्रीज होना करेस्पॉन्ड करता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को, अ प्रोसेस इन विच हैवियर न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेट इंटू टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यानी जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैवियर न्यूक्लियस की डिक्रीज हो जाती है तो वो हैवियर न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डिके होने के बाद इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में भी कन्वर्ट हो सकता है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ये वाला रीजन। और लाइटर न्यूक्लियाई जो एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, कि व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए बिगेस्ट न्यूक्लियस विद द इमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। तो लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी का डिक्रीज होना ये फिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह ये ग्राफ दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्लैनेट, स्टेबिलिटी ऑफ गैलेक्सी, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स
तमाम गैलेक्सीज और तमाम यूनिवर्स में एलिमेंट्स, एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन मैटर और एनर्जी ही है ना, तो ये रीजन भी अनस्टेबिलिटी है, ये रीजन भी अनस्टेबिलिटी है, और ये मियाना रवि वाला रीजन जो है ना, या तो दाल पसंदाना रीजन, इधर भी देखें साइंस इस तरीके को डिफाइन कर रही है कि ये स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। आपको मैं एक टेबल बताऊंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, जिस टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को भी मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमेरिकली डिफाइन किया गया है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मास डिफिशिएंट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सी यू।